हेलो प्यार बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट आइसक्रीम मैन एंड दिस इज अ पोयम। इट इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर कॉलिंस क्लास थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोल्ड स्वीट क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। तो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ठंडी है, मीठी है, क्रीमी भी है और उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. Yes, बच्चों आपने सही guess किया। So it's a ice cream जो specially hot summer day में खाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पे everyone's favorite treat, treat means delightful thing to eat, सब जो आपको चीज़ बहुत अच्छी लगती है गर्मी में खाना, that is an ice cream। और ये हमारी poem भी ice cream पर है। Read a poem by Rachel Field about everybody's favorite person, the ice cream man। तो आइए ये हम poem पढ़ेंगे। तो ये किसने poem लिखी है? Rachel Field। और ये किसके बारे में है? हम सभी के फेवरेट पर्सन के बारे में। कौन है वो? एक आइसक्रीम मैन। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। When summers in the city, जब बच्चों गर्मियाँ आ जाती हैं शहर में, जब गर्मी हो गई है, and breaks off blaze of heat, blaze क्या है बच्चों? Strong and bright like fire, गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है तो शहर में धधकती हुई आग की तरह गर्मी फैली हुई है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तो बच्चों जो आइसक्रीम मैन होता है उसके पास एक छोटी सी कार्ट होती है जिसके अंदर वो बहुत सारी आइसक्रीम रखे रहता है। और देखो ये पिक्चर है बच्चों, यहाँ पर एक आइसक्रीम मैन है, उसके पास कार्ट है और उसमें से आइसक्रीम वो निकाल कर देता है। तो यहाँ पर क्या बताया पोएट ने कि जब कभी गर्मी होती है शहर में और शहर जो है गर्मी में धधकता है जैसे कि एक आग लगी होती है, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, फिर क्या होता है? एक आइसक्रीम मैन जो होता है अपनी छोटी सी कार्ट के साथ आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग क्या होता है बच्चों? रोलिंग और मूविंग नॉइजली, शोर मचाते हुए जाना। तो वो शोर मचाते हुए जाता है, आइसक्रीम ले लो या फिर कोई बैल बजाएगा जिससे सब घरों में पता चल जाएगा कि आइसक्रीम मैन इज देयर इन द स्ट्रीट। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ होता है नीचे, तो उसके जो राउंड राउंड अम्ब्रेला है उसकी कार्ट के ऊपर, पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, तो उसकी राउंड राउंड अम्ब्रेला के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, जॉयफुल साइट, साइट तो बच्चों आपको पता है दृश्य, और जॉयफुल क्या है? आनंदपूर्ण, यानी कि जो आपको खुशी दे ऐसा दृश्य। तो यहाँ पर क्या कहता है पोएट कि वाह क्या बढ़िया सा दृश्य है। कैस क्या दृश्य है अभी आगे बताएंगे। टू से हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, तो बच्चों आइसक्रीम कोन तो आपने देखा है, तो वो दृश्य क्या है बहुत अच्छा वाला कि आइसक्रीम मैन जो है कोन्स को भर रहा है। किसके साथ, कैसे भर रहा है? माउंट्स, माउंट्स मतलब होता है बच्चों हीप। जैसे कभी आइसक्रीम मैन आपको जब कोन्स में आइसक्रीम बना के देते हैं तो वो एक कोन के अंदर जब वो आइसक्रीम भरते हैं तो एकदम ऊपर तक लबालब भर जाती है ना आइसक्रीम, तो वो ढेर हो गया माउंट। माउंट ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, तो किस चीज़ से भर रहे हैं वो? कैसा दृश्य है कि वो कोन्स को माउंट तक भर रहे हैं, एकदम ढेर ऊपर तक भर रहे हैं, किस चीज़ से? ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, बहुत ठंडी ठंडी ब्राउन वाइट वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, तो ये फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, इन सब से वो भर रहे हैं। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और या फिर चिली मीन्स कोल्ड, बहुत ही ठंडी, तो ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें भर रहे हैं पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, फ्रॉस्टी होती है ठंडी, तो बॉटल से भी वो फ्रॉस्टी फिज भर रहे हैं। वो जो पीने वाली ड्रिंक्स हैं वो कैसे कलर्स की हैं? ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अवेलेबल हैं ड्रिंक्स भी उनके पास, आइसक्रीम भी अवेलेबल हैं अलग अलग कलर्स की। His cart might be a flower bed. तो बच्चों इतने सारे colorful drinks हैं, ice creams हैं, तो ऐसा लगता है जो उनकी cart है
जो छोटी सी जो उनकी गाड़ी है आइसक्रीम की, वो एक फ्लावर बेड है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। और कैसी कैसी स्वीट पीस, मीठी मीठी पीस और रोजेज की वो फ्लावर बेड है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, द वे इस तरीके से बच्चों ने उस कार्ट को घेरा हुआ है, उस आइसक्रीम मैन को घेरा हुआ है। क्लस्टर एयर मीन्स गैदर अराउंड, वो सब बच्चे उस कार्ट के चारों तरफ ऐसे इकट्ठे हो गए हैं राउंड राउंड। कैसा लग रहा है? एज थिक एज हनी बीज, तो ऐसा लग रहा है जैसे छत्ते पर मधुमक्खियां आ गई हैं। ठीक है बच्चों, दिस वॉज द पोएम बाय रेचल फील्ड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द आइसक्रीम मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।